तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक कमाल की ऐप की अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में आपको एक रूटीन्स प्लस करके ऑप्शन मिलता है, या बोल सकते हैं मोड एंड रूटीन्स जो होते हैं ना, एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों। उसके अंदर एक नया अपडेट आया, नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए, क्या उसके अंदर हुआ है, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसे नई अपडेट आया सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। तो थैंक यू। मैं आपको बताने वाला हूँ रूटीन प्लस के ऐप के अपडेट के बारे में। रूटीन प्लस ऐप ये आपको गुडलक के अंदर मिलता है। गुडलक की ऐप में जाएंगे, मान लो आप यहाँ पर गए गुडलक में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक रूटीन प्लस का ऑप्शन मिलता है। तो गुडलक की ऐप में जाएंगे तो आपको ये रूटीन प्लस का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर एक नया अपडेट आया है। इसके लिए आपको गो टू स्टोर में ले जा रहा हूँ, प्लेस के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे नया अपडेट्स यहाँ पर मिल रहा होगा। रूटीन प्लस मतलब कि ऐसा कुछ रूटीन को क्लिक करके बना के रखना जो बाद में आप यूज़ कर सकें, लाइक एडिट अ मैक्रो जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी है, उसके बारे में आपको और अच्छे से बताने वाला हूँ। इस अपडेट को रिलीज़ किया गया 25 जनवरी 2024 को, जिसका अपडेट वर्जन है 1.0.49, जिसका साइज है 7.49 MB का। अब ये काम क्या करता है, एडिट अ कंडीशन अनलॉक द विथ फिंगरप्रिंट एस पेन, मतलब आप इसमें कंडीशन डाल सकते हैं, लाइक आपने अगर फिंगरप्रिंट से स्कैन करें तो कोई दूसरी एक्टिविटी हो जाए। एडेड एक्शन रीड अ लाउड एरो टच मैक्रो, आप बैटरी के रिलेटेड डाल सकते हैं कि जब भी मेरी बैटरी डाउन हो तो कुछ अनाउंस करके बता दे, या आपके कैमरा अगर आप खोले तो आपका और चीज़ क्या गया, मतलब सब चीज़ें आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं पहले तो अपडेट। अब यहाँ पर नया चेंजेस किया गया है, द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ रूटीन प्लस आर नॉट अवेलेबल इन डिवाइस विद सिंपली नेविगेशन बार, अ कॉम्बिनेशन ऑफ होम बटन एंड टच एंड होल्ड एमोंग ऑप्शन बटन एक्शन। कुछ बटन एक्शन के अंदर होम बटन और टच और होल्ड वाला ऑप्शन वहाँ से हटा दिया गया है। चलो उसको देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो उसको कर लिया अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं आ गया वापस यहाँ पर। यहाँ करने के बाद आपने उसको ओपन कर लेना है रूटीन प्लस को। रूटीन प्लस को ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से इन्हांस मिल रहा होगा। लोकेशन पेस क्यूक एक्सिस रन अटैच मैक्रो फिंगरप्रिंट टू वेबसाइट लो बैटरी। अब यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है लोकेशन बैट क्यूक एक्सिस, मतलब कि अगर मैं इस लोकेशन पे हूँ तो ये काम हो जाए। लाइक मैंने ये प्लेस डाल दी माय करेंट लोकेशन, तो करेंट लोकेशन डाल दी है, उसमें बटन एक्शन डाल दिया, और देन जब भी मैं यहाँ पहुँचूँ और ऑटोमेटिक क्या एक्टिविटी हो जाए आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कि ऑटोमेटिक मेरा मोबाइल साइलेंट पर चले जाए, या कोई ऐप को ओपन हो जाए, या कुछ भी चीज़ जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगी। लाइक मैंने डाल दिया टेक सेल्फी, ठीक है, जो कि इसको सेव कर दिया, जब भी इस लोकेशन पे आऊँगा ऑटोमेटिक वो मेरी सेल्फी खींच लेगा। इसके बाद है रन अटैच मैक्रो, ये बहुत शानदार, स्टार्ट मैनुअली व्हेन द स्टार्ट बटन और विजार्ड्स स्टेप, ये बहुत काम का है। इसी के अंदर एक नया ऐप दिया, मान लो मैंने स्टार्ट मैनुअली पे क्लिक करा, एडिट पे गया, स्टार्ट मैनुअली पे मैंने यहाँ पर क्लिक करने के लिए यहाँ ऐड किया, स्टार्ट मैनुअली पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर मैंने कंडीशन डाली टच मैक्रो। अब इतनी सारी मैक्रो बने हुए हैं, अब मैंने यहाँ पर डाल दिया एक मैक्रो वाला कंडीशन को उठाया और उसको डन कर दिया और उसको सेव कर दिया। सेव करके मैंने इसको नाम दे दिया 4 करके, उसको डन कर दिया और ये सेव हो गया। अभी कैसे चलेगा इसको देखना है, तो यहाँ गए इसको चलाने के लिए, मैंने 4 नाम से सेव करा है तो उसको मुझे होम स्क्रीन पे लेके आना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर गया विजार्ड्स में, ये मैंने बताया रहना टच मैक्रो, अब जब भी मैं इसको यूज़ करूँगा तो जो मैंने एक मैक्रो लगा के रखा है कैमरे वाला, वो ऑटोमेटिक इस तरीके से ये मैक्रो काम करता है, फोटो को क्लिक कर लेगा। उसके बाद है फिंगरप्रिंट टू वेबसाइट, ये भी बहुत शानदार है। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन लगाया, राइट वाले मैंने चूज़ करा या लेफ्ट वाला मैंने चूज़ करा, और यहाँ पर वेबसाइट का नाम डाल दिया, कि जब भी मैं अगर लेफ्ट वाले थंब से इसको ओपन करूँ और मेरा वहाँ पर google.com ओपन हो जाए। मैंने डन क्लिक करा और इसको सेव कर दिया। तो अब जब भी मैं अपने मोबाइल को लॉक करके अनलॉक करूँगा तो वो ऑटोमेटिक google.com को खोल लेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मैक्रो काम करता है। तो आप जिस फिंगरप्रिंट को वहाँ पर सेट करेंगे और उसके टास्क को वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया गया लो बैटरी अनाउंसमेंट,
तो ये भी बहुत शानदार है। आप यहाँ पर अपना बैटरी लेवल चूज़ कर लो कि आपको कितनी वैल्यू पे, जैसे कि मान लो मैंने 10% से बिलो कर दिया और यहाँ पर डाल दिया रीड आर लाउड, तो जैसा आप बोलोगे वो आपको चार्ज करके बताए, सुन के बताएगा। जैसे मान लो ये बोल रखा है तो आप इसको डन कर देंगे, तो जैसे ही वो 10% पे जाएगा आपको बता देगा कि भाई आपको अपना मोबाइल चार्ज करना है और अब आप चार्ज कर लो। तो इस तरीके से ये काम करेगा। उसके नीचे लिखा है शेयर बाय QR कोड, तो जो भी आपने कुछ ये बना के रखे हैं आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं रूटीन वो, ताकि डायरेक्टली उसको रूटीन को लगा ले। एक्सपोर्ट रूटीन करना हो तो रूटीन कर सकते हैं, इंपोर्ट सेव रूटीन करना है तो अब यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार ये रूटीन्स का फीचर्स है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी, इसका लिंक मैं आई बटन दे दूंगा। आज मैंने आपको सिंपल इस ऐप का यूज़ करके बताया, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।